हनुमान जी बैठे हैं, लंका जाना है सीता को संदेश देने के लिए। जामवंत जी सब अंगद अंगद खड़े हैं। हनुमान जी भी ऐसे निराश बैठे हैं कि भाई इतने योजन मैं पार नहीं कर सकता। तो फिर जामवंत जी क्या कह रहे हैं, अरे तुम कौन हो हनुमान, तुमने बचपन में एक छलांग में तुमने सूरज को निगल लिया, तुम ये हो तुम वो हो। कहते ना श्राप के कारण उनको अपनी शक्तियाँ विस्मृत हो गई थी। तो हनुमान जी को ध्यान आता है, अरे मैं कौन हूँ, और एक छलांग में वो सागर को पार करके लंका पहुँचते हैं, है ना याद। तो भगवान भी आकर क्या कर रहा है, बच्चे तुम फलानी और फलाना नहीं हो, तुम फलाने के बच्चे फलानी की बच्ची नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, शिव वंशी है हम, शिव की संतान है हम। अगर शिव पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो मैं उनकी संतान आत्मा भी मास्टर सुख का सागर हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा आया है इस समस्त प्रकृति को और सर्व आत्माओं को पावन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। मैं आत्मा शिव बाबा की याद में पूरे विश्व को सतो प्रधान बना रही हूँ, केवल अपने घर को नहीं पूरे विश्व को। मेरे को तो बहुत नशा है कि 550 करोड़ आत्माओं को मुक्ति हम देंगे बाबा के साथ, और 33 करोड़ को मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे, और सारी प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे। केवल खुद की मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं, पूरे विश्व को मुक्ति। परमधाम तो सभी जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी आत्माएं शुरू में उतरेंगी, और सतयुग त्रेता की पूरी जो जनसंख्या 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, कितने हम देवी देवताओं का गायन करते हैं, 33 करोड़, क्योंकि त्रेता अंत तक 33 करोड़ की वो देवी देवताओं की, तो 33 करोड़ को मुक्ति और जीवन मुक्ति, और बाकी सभी को केवल मुक्ति। और शिव बाबा आकर कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी मदद से, तुम्हारा सहयोग चाहिए। जैसे कहते हैं ना, राम ने किनकी सेना ली, बंदरों की, तो हम सब क्या बन गए, क्योंकि विकारों की अधिकता बंदर में गाई जाती है, मोह उसमें बहुत होता है कि बच्चा खत्म भी हो जाता है तो उसको सीने से लगा के घूमती रहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे यदि संस्कार बंदर मिसल, क्रोध देखो कितना है, मोह कितना है, काम की भावनाएं कितनी है, दृष्टिवृत्ति किसकी कैसी है। आज तो आप सब तो दुनिया में रह रहे हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, संसार की हालत क्या है देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। तो बंदर मिसल आत्मा हो गई, उनकी सेना ली हुई है रावण से मुक्त करने के लिए। रावण कौन सा है, अभी श्रीलंका में रावण है क्या कोई, या ये जो हम पुतले जला के जलाते हैं, पुतले बना बना के 200 फीट के 100 फीट के, रावण जला है, हर साल जलाया, जला रावण, रावण का माता इतने नशे से हर घर में बैठा है रावण। तो ये विकार, हर आत्मा के अंदर के विकार, उसकी दृष्टि वृत्ति है ना, ये सब रावण की। बाबा कहते हैं ये शोक वाटिका, पूरा पूरा विश्व है शोक वाटिका। वो कहते हैं अशोक वाटिका, रावण के यहाँ अशोक वाटिका थी जहाँ सीता रखी। बाबा के हंसते हुए कहते हैं अशोक वाटिका केवल सतयुग त्रेता है, ये सब शोक वाटिका है ना। शोक वाटिका में आत्मा सीता, 5 विकार रूपी रावण, देह भान देह अभिमान में, इस देह के अभिमान में आत्मा बंधी हुई है। पहले इस देह भान से देह अभिमान से, मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, राखी के समय हमारी बहनें जगह जगह जाती हैं राखी बांधने, और सबको प्रतिज्ञा भी कराती हैं कि भाई आपको कहते हैं ना गिफ्ट क्या दें, तो हम कहते हैं कि कोई विकार का छोड़ो, आप कोई बुराई छोड़ो, कोई अवगुण छोड़ो। तो मैं एक मुंगेली स्थान से हूँ, उस मुंगेली में रैन बसेरा एक स्थान है,
कहते हैं भारत के मुंबई इधर उधर से लोग, माना वहाँ एक एक एरिया है जहाँ वेश्यावृत्ति होती है और दूर दूर तक फेमस है वहाँ। जैसे फिल्मों में आप मुजरे गायन सुनते हैं ना, जैसे देखते हैं, वो वहाँ होता था। तो मुझे जब ये, मैं ज्ञान में आने से पहले नहीं, ज्ञान में जब आया मैं, और जब बाबा की वो शक्ति, वो गुण, वो दृष्टि, वो वृत्ति, जैसे मुझे बाबा से वो शक्तियाँ, वो जब मैं बाबा का बना, तो मुझे कई बार ये संकल्प आता था कि ये आत्माएं, मेरी बहनें माया के हेडक्वार्टर में कैद हैं। मुझे लगता था वो एरिया जो है ना, वो माया का हेडक्वार्टर है। जैसे ऐसा काम करा रही है मेरी बहनों से, आत्माओं से, कैसे मैं इनको वहां से छुड़ाऊं? मुझे ये बार बार संकल्प आता था। तो राखी का समय आया तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम रक्षाबंधन में वहाँ प्रोग्राम करें, उनके यहाँ जाकर, जहाँ उस पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में। तो मैंने सोचा कि भाई एक प्रोग्राम रखते हैं। तो मैंने हमारी जो वहाँ पे बहन थी और भाइयों से बात की मैंने कि भाई हम इस बार के रक्षाबंधन का प्रोग्राम हम उस एरिया में जाकर उन वेश्याओं को राखी बांधने में हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन तो माना कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ की एक पार्षद, मुसलमान पार्षद थी उस एरिया की, तो मैं जब उस पार्षद के पास गया कि भाई ऐसे हम राखी का प्रोग्राम, बोले देखो गोविंद भाई, मैं आपको अपना हॉल दे दूंगी यहाँ का प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन मैं निमंत्रण देने के लिए आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो मेरे मन में ये भाव था कि देखो ये सब आत्माएं मेरी बहनें हैं, मेरे भाई बहनें हैं, अब ये ऐसा कार्य कर रही हैं या इस ऐसे एरिया में ये सब हैं, माना मुझे इन्हें इन इस कार्य से और इस वाता, जैसे रावण की कैद में, तो आखिर में जब कोई साथ नहीं दिया तो प्रोग्राम तो हमने उस एरिया में, उनका घर था जो पार्षद का, उनके हॉल में प्रोग्राम रखा। मैं एक एक घर गया, एक एक वेश्या के घर गया। जब मैं पहुंचता था तो उनकी दृष्टि अलग होती थी, और लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता था कि बहन जी मैं ब्रह्मा कुमारी से आया हूं और यहाँ रक्षाबंधन का कल प्रोग्राम रखा है, आपको आना जरूर है, पता नहीं क्या था, वो देखते ही एक सेकंड में उनके वाइब्रेशन बदल जाते थे, हाँ भैया हम लोग जरूर आएंगे। एक एक घर में जाकर एक एक आत्मा को निमंत्रण दिया हमने। 8 दिन वहाँ पे पूरा कोर्स हुआ। जब दूसरे दिन बहनें वो आईं, उसमें जो हेड थी एक, तो मुझे था कि मुझे इससे राखी भी बंधवानी है। तो जब सब हम राखी सब आए, बहनें, हमारी बहन जी आई, एक एक को बुला के राखी हमने, तो उन सब ने मेरे लिए भी राखी लाई थी, मेरी यहाँ तक राखी पूरी सबकी। बोले भैया हम घर से निकले ना, देखो आत्मा मूल रूप में कैसी, और उन सब को पैदल फिर सेंटर लेके आए। एक दिन पैदल सेंटर पे भोग लगाया सब, मन, और मुझे मेहनत नहीं लगी, ऐसा नहीं कि मैं उनको कैसे उनके सामने जाऊंगा तो मेरी स्थिति, एकदम नेचुरल। मुझे लगा ये इन आत्माओं को इस रावण की जेल से छुड़ाना है। और जैसे किसी हेडक्वार्टर में अटैक करने के लिए कोई सिपाही और पुलिस या वो नहीं चलता, वहाँ विशेष कमांडो ही कार्य करते हैं। तो जिनकी स्थिति इतना सुंदर, वहाँ जाकर एक एक आत्माओं की सेवा की, तो बाबा ने ये शक्ति दी हुई है कि बच्चे सभी आत्माएं तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अपने हैं, तुम आत्मा मूल रूप में कैसी हो? ये आत्माएं मूल रूप में हैं शुद्ध पवित्र, भले किसी परिस्थिति कारणवश ये इस तरह का कार्य हो रहा है। तो इतना सुंदर अनुभव रहा, इतनी अच्छी बात रही। तो बाबा कहता है ये पूरा विश्व ही क्या है, शिवालय था वैश्यालय बन गया, हर आत्मा देववान देहाभिमान के कारण और मुझसे कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण कैसे कर्म में चले गए। अब मैं फिर से आया हूँ आत्मा को उसकी सत्य पहचान देकर, अपने साथ मैं उनमें शक्तियां भरकर मैं फिर से इस संसार को शिवालय बनाने आया हूं। तो हम सब उस शिवालय में साथी हैं, हैं सभी शिवालय बनाएंगे।
गुड।